आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर नालंदा से है। नए साल में नालंदा समेत पड़ोस के 4 जिलों के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में वैक्सीन रखने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि यहां से 4 जिलों को वैक्सीन भेजी जाएगी, जिनमें नालंदा, नवादा, शेखपुरा और जहानाबाद शामिल है। सदर अस्पताल में वैक्सीन रूम, वैक्सीनेटर रूम और ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं। वैक्सीनेटर रूम का निरीक्षण करते हुए नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि कोरोना वैक्सीन जनवरी के प्रथम या फिर दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। वाटरिंग कूलर है जिसका टेम्परेचर 2-8 होता है, जो भी वैक्सीन आएगा कोविड के अगेंस्ट उसको 2-8 टेम्परेचर पर रखना है, तो इसी वाटरिंग कूलर में रखा जाएगा। इसकी कैपेसिटी 1.5 लाख वायल्स की बताया गया है, तो 1.5 लाख वायल्स हम रखेंगे और 4 जिला को सप्लाई करेंगे। वो जिला है शेखपुरा, नवादा, नालंदा और जहानाबाद। अब यहाँ से जब हमारे नीचे के लेवल पर जब जाएगा वैक्सीन, तो उसको भी 2-8 टेम्परेचर चाहिए। 2-8 टेम्परेचर के लिए INR सब जगह उपलब्ध है, और जहाँ कहीं कुछ खराबी INR में है उसके रिप्लेसमेंट के लिए ऑर्डर दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है। डीप फ्रीजर भी सब जगह दें, 25-23 की संख्या में डीप फ्रीजर भी इस जिला को मिल रहा है, तो उसकी कमी रहेगी नहीं और वैक्सीन का रखरखाव बिल्कुल ठीक से हो जाएगा। अब जो ब्लॉक लेवल पर रखे जाएंगे या सब लेवल पर रखे जाएंगे, वहाँ से जो फील्ड में जाने हैं वो फिर वैक्सीन कैरियर के थ्रू जाते हैं। तो वैक्सीन कैरियर में भी 2-8 टेम्परेचर मेंटेन होता है 436 आवर, 24 घंटा भी अभियान खत्म हो जाएगा, तो ये 36 आवर में 2-8 टेम्परेचर पर रह जाएगा दवा उसमें, और वहीं पर वैक्सीन दिया जाएगा जो वैक्सीन के बूथ बनेंगे। इलेक्शन मोड में वैक्सीन देने हैं, उसके बूथ होंगे, उसमें मिनिमम 3 रूम चाहिए। एक रूम होगा जहाँ पर लोग वेट करेंगे दूरी बनाकर, 2 फीट 6 गज का या 2 गज या 2 मीटर जिसको कहिए, उस उतनी दूरी पर उसमें वेट करेंगे लोग। उसका एक एंट्रेंस होगा, दूसरा एग्जिट होगा। एग्जिट होगा दूसरे रूम में जो वैक्सीनेशन रूम कराएगा, वहाँ पर एक मेम्बर होंगे जो कराएंगे। ये कौन मेम्बर है, जो मेंबर होंगे, एक रहेंगे जिसमें वेट करना है उसमें, एक रहेंगे जो वैक्सीन का रूम है उसमें वैक्सीनेटर भी रहेगा। उसके बाद फिर तीसरा रूम होगा जिसमें ऑब्जर्वेशन रूम कहा जाता है, उसमें एक मेंबर बैठेगा। तो वो ऑब्जर्वेशन रूम में जो लोग वहाँ से इंजेक्शन दिला देंगे, वैक्सीन पड़ जाएगा, वो आके 30 मिनट के लिए वहाँ ऑब्जर्व किए जाएंगे कोई साइड इफेक्ट वगैरह देखने के लिए। और एक मेंबर बाहर में हुआ, चौथा पोलिंग मेंबर होंगे। कब तक संभावना है सर वैक्सीन आने का? आई थिंक मैंने कहना तो मुश्किल है, बट जनवरी में शुरू हो जाना चाहिए, जनवरी के किसी सप्ताह में शुरू हो जाएगा। वी हैव ऑल द प्रिपरेशन हियर, दे ऑल हैव बीन ट्रेंड, वी हैव बीन ट्रेंड। अब कुछ है नहीं, वैक्सीन आएगा और हम शुरू करेंगे।